हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम मेडिटेशन करने वाले हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आपको ब्लॉक किया है या किसी भी वजह से सेपरेशन आ गया है आपके रिश्ते में, तो आप उस सेपरेशन को ख़त्म करेंगे और अपने पर्सन को जैसा आप चाहते थे वैसा पाएंगे। एंड 24 आवर्स आप उनके माइंड में घूमते रहेंगे और वो हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, प्यार भरी बातें सोचेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप एक शांत जगह का चुनाव कर लीजिए और वहाँ पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, या फिर आप चाहते हैं लेट के करना, स्लीपिंग टाइम में करना, तो आप उस टाइम भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठ के करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नाइट में करते हैं स्लीपिंग टाइम, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो समय का चुनाव आप कर लीजिएगा और किस तरह से आप करना चाहते हैं, बैठ के करना चाहते हैं, लेट के करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपने जगह का चुनाव कर लिया होगा, आप बैठ गए होंगे ध्यान की मुद्रा में या फिर लेट के कर रहे होंगे। आँखों को स्लोली स्लोली बंद कीजिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। इनहेल एक्सहेल, जब भी सांस भरिए तो पॉजिटिव फील कीजिए। ऐसा फील कीजिए कि आपके भीतर सिर्फ पॉजिटिविटी जा रही है और आपके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी फियर हैं, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। आप उन्हें बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं और आपको बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत पीसफुल फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप 10 से 11 बार सांसों को लेंगे और होल्ड करेंगे अपने नाभि के पास और धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। आती हुई सांसें आपको पॉजिटिव करती जा रही हैं और जब वो सांसें बाहर निकल रही हैं तो आपके भीतर की सारी दुख, तकलीफें, ट्रॉमा, फियर, सब कुछ बाहर लेके आ रही हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी ढीली पड़ती जा रही है एंड आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो रहा है। आपका माइंड पूरी तरह से थॉटलेस हो चुका है, कोई बात नहीं है दिमाग में, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। अब आप फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों को भरते समय अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें याद करना है, उनके चेहरे को, उनकी आँखों को, उनके लिप्स को, उनके हेयर को, पूरी तरह से जैसे कि वो आपके सामने खड़े हैं उस तरह से आपको विजुलाइज करना है और बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखना है। सब कुछ भूल जाइए कि उनके साथ किस तरह से आपका सेपरेशन हुआ, किस तरह से आपकी बातचीत बंद हुई, किस तरह से इतनी सारी नेगेटिविटी आई रिश्ते में, सब कुछ कुछ देर के लिए भूल जाइए और सिर्फ याद कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, आपको कितना अच्छा लगा था कि ये पर्सन सिर्फ मेरे लिए है, आपने किस तरह उनको देखते ही सोचा कि ये पर्सन ही है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। कितना हैप्पीनेस फील हो रहा था आपको इस पर्सन को देखकर। सारी मेमोरीज़ को एक बार फिर से रिपीट कीजिए और याद कीजिए कितना अच्छा फील हो रहा था उस वक्त, किस तरह से आप घंटों उनसे बात करते रह जाते थे और फिर भी आपको समय का अंदाज़ा नहीं लगता था। सारी बातों को याद कीजिए और अपने पर्सन को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। देखिए वो आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा है। आप और वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। आप दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग और करीब आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और एक दूसरे को हग कर रहे हैं, एक दूसरे को गले से लगा लिया है आपने और आप दोनों एक दूसरे की धड़कनों को फील कर रहे हैं
और जो भी शिकायतें थी ना, वो सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। और आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो डिसीज़न लिया था इस पर्सन को चुनने का, वो डिसीज़न मेरा बहुत सही था। मैंने 110% सही डिसीज़न लिया था। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो और दोनों यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना परफेक्ट पार्टनर देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना केयरिंग पार्टनर देने के लिए, एंड थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना ट्रू पार्टनर देने के लिए।